हेलो बेटा लोग, आई होप आपको टर्मिनोलॉजी के चैप्टर अच्छा लग रहा है। एंजॉय कर रहे हैं आप नए नए वर्ड्स। तो आज इस लेक्चर में हम बैंकिंग टर्मिनोलॉजी पे जा रहे हैं, जो बहुत आसान लगेगा आपको। वैसे तो पूरा चैप्टर ही मेरे ख्याल से आसान लगा होगा, क्योंकि नए नए वर्ड सीखने में मज़ा भी बहुत आता है। नहीं, और सब हायर लेवल पे आपके पास लॉ में, अकाउंट्स में, कॉस्टिंग में, एफएम में, जगह जगह पे ये सब वर्ड्स आएंगे। तो बहुत ही खूबसूरत है ये सब, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ाना। आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। नहीं, अब एक वर्ड आता है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब है कि जिसमें आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज किया होगा, राइट? तो उसमें एक होता है, सामने वाले ने बिल ड्रॉ किया और आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो आप ये कह रहे हैं कि जी, मैं आपके ये शर्त मानने को तैयार हूँ, आपने जो मुझे ऑर्डर किया है पैसे देने का, मैं वो एक्सेप्ट करता हूँ, है ना? एक ही एक्सेप्टेंस होता है। एक होता है जब आपने किसी के साथ कोई अग्रीमेंट बनाया, कोई भी काम कर रहे हैं मिलकर, उसमें TNC है, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो सामने वाले ने साइन किया कि ठीक है, मुझे ये सारी शर्तें मंजूर है, तो वो भी तो एक्सेप्टेंस है ना। तो वो कहता है कि एक्सेप्टेंस ऑल्सो नोन एज बैंकर्स एक्सेप्टेंस। बैंकिंग टर्मिनोलॉजी है, इसलिए बैंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात चल रही है। बैंकर्स एक्सेप्टेंस इज अ साइंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्नॉलेजमेंट दैट इंडिकेट्स अप्रूवल एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल TNC ऑफ एनी अग्रीमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द बैंकर। समझा? कि बैंकर ये कह रहा है TNC हमें सारी मंजूर है और हम इस अग्रीमेंट को अप्रूव करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो वो कहता है कि जो साइंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्नॉलेजमेंट है, एक्नॉलेजमेंट हो गया जिसमें वो कह रहा है कि जी, मैं आपकी नॉलेज में डाल रहा हूँ। टू एक्नॉलेज मीन्स टू पुट इन टू द नॉलेज ऑफ द अदर पर्सन। तो इसका मतलब आप उसकी नॉलेज में डाल रहे हो और कागज पे साइन भी कर रहे हो कि जी, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है। ये उसकी बैंकर के बिहाफ पे ही उसके एक्सेप्टेंस है। आर यू गेटिंग? फिर आता है एक्सेप्टिंग हाउस। ये वो कहता है इट इज अ बैंकिंग और फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन। तो एक बैंक हो गया, रॉ सेंस में बात करें तो एक बैंक है जिसका एक पर्टिकुलर सर्विस में स्पेशलाइजेशन है, और वो क्या करता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करता है या फिर उन्हें गारंटी करता है। तो जब आप बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करते हैं, तो इसका मतलब है आप क्या कह रहे हैं कि जी ठीक है, मैं मानता हूँ कि जो आपने मुझे ऑर्डर किया है पे करने के लिए, वो मैं पेमेंट कर दूंगा, है ना? तो जो बैंक इस सर्विस में स्पेशलाइज कर रहा है वो एक्सेप्टिंग हाउस है, राइट? और अगर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज की गारंटी दे रहा है, तो इसका मतलब है वो श्योरिटी बन रहा है, गारंटर बन रहा है। वो ये कह रहा है कि अगर इसने पैसे नहीं दिए तो डोंट वरी, मैं हूँ, मैं पैसे दे दूंगा। दैट इज वॉट इज। तो उस बैंक को हम क्या बोल देंगे, या जो बॉडी है जो ये काम कर रही है, वो एक्सेप्टिंग हाउस है, राइट? फिर अकाउंट बैलेंस तो आप रोज अपनी पासबुक में चेक कर सकते हो, है ना? आजकल तो ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन जाके स्टडी कर सकते हो। नहीं, कि मेरे एक पर्टिकुलर बैंक में, एक पर्टिकुलर अकाउंट में कितना बैलेंस बचा है, राइट? दैट इज वॉट, अलॉन्ग विद द डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट, कब कब पैसा निकाला, कब कब पैसा डाला उस अकाउंट में आपने, राइट? और अभी जो नेट अमाउंट है वो कितना है, जो मेरा अकाउंट बैलेंस है, राइट? फिर अक्रूड इंटरेस्ट आता है। अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब है वो इंटरेस्ट जो ड्यू हो गया है लेकिन अभी पे नहीं हुआ है, राइट? तो वो कहता है इट इज द इंटरेस्ट अकमुलेटेड अकमुलेटेड, ये वर्ड पकड़ना है, अकमुलेटेड बट नॉट येट पेड। इसका मतलब है वो ड्यू हो गया है लेकिन अभी पेमेंट नहीं हुआ है, राइट? और वो कहता है कि इसको हम इंटरेस्ट रिसीवेबल भी बोलते हैं, क्योंकि फिर वो हमारी करंट एसेट बन गया, राइट? फिर वो कहते हैं इसको बैंकिंग बुक्स जो है, बैंक की जो किताबें हैं उसमें वो क्या लिखते हैं, अर्न्ड बट नॉट येट पेड। कि सामने वाले ने तो कमा लिया, उसका पैसा तो हमने रख लिया, 3 महीने पैसा रखा तो 3 महीने का इंटरेस्ट तो उसका बन गया, लेकिन अभी हमने उसे पे नहीं किया, ठीक है ना? तो ये सारे वर्ड्स क्लियर हो गए ना आपको? दैट इज वॉट इज एक्रूड इंटरेस्ट। फिर एडमिनिस्टर्ड रेट आता है। एडमिनिस्टर्ड रेट का मतलब है कि मैंने जो आपको लोन दिया है, इसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मैंने अभी 7% रखा है, तो कल को मैं ही एडमिनिस्टर करूंगा। इसका मतलब है मेरी चॉइस पे रेट चेंज हो सकता है, जैसे मार्केट में चेंजेस आते हैं तो मैं भी रेट चेंज कर सकता हूँ। तो नॉर्मली आप देखेंगे लेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से चेंजेस आते हैं, लेंडर के तरफ से जो जो पैसे दे रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके हिसाब से चेंज आता है। लेकिन कभी कभी वही बात है, अग्रीमेंट में जो डिसाइड हो जाए, तो कभी कभी जो दूसरी पार्टी है जिसने पैसे देने हैं, जो बोरोअर है, उसके हिसाब से भी हो सकता है, राइट? दैट डिपेंड्स कि आपकी TNC क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस। सो ही सेज दीज आर द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट विच कैन बी चेंज्ड कॉन्ट्रैक्चुअली बाय लेंडर, राइट? इन सम केसेस कैन ऑल्सो बी चेंज बाय डिपॉजिटर एंड ऑल्सो द पेई, जिसको पैसा मिलना है, राइट?
फिर एक वर्ड आता है एडीआर, शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म दोनों आने चाहिए, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। जैसे हमारे यहाँ पे शेयर है तो एक एडीआर भी कुछ शेयर्स के बराबर ही होता है, बस ये है कि एडीआर की जो ट्रेडिंग है वो अमेरिका में ही होती है, यूएसए में। इसे एडीआर आर डिपॉजिटरी रिसीट्स विच आर इक्वल टू स्पेसिफिक नंबर, ये मेन वर्ड है इक्वल टू, इसको पकड़ा तो आगे अपने आप समझ आना शुरू हो जाएगा। किसी पर्टिकुलर कंपनी के पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर्स के बराबर होता है, राइट right? और जो फॉरेन कंट्री में इश्यू हुए हैं वो शेयर्स कहाँ इशू हैं, फॉरेन कंट्री में, ओके okay? और फिर वो किधर ट्रेड होता है, सिर्फ यूएसए में, फाइन। फिर आता है ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस। मैंने एक चेक दिया, ठीक है, एक क्लियरिंग हाउस वर्ड भी आएगा, वो भी मैं बता रही हूँ अभी साथ में, एक ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, राइट। तो ऑटोमेटेड होता है जिसमें ऑटोमेटिकली काम हो जाता है, मैन पावर नहीं लगती है, इलेक्ट्रॉनिकली जो सिस्टम्स बने हुए हैं इंटरनेट के जरिए उसी से ही काम हो जाता है, राइट right? और क्लियरिंग हाउस और ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस में बस इतना सा फर्क है। अब मैंने चेक बनाया, मुझे आपने चेक दिया, ठीक है, आपने कोई पेमेंट करनी थी, आपने मुझे चेक दिया, मैंने अपने बैंक को जाके दिया, मेरा बैंकर मेरा चेक लेके क्लियरिंग हाउस में जाएगा। क्लियरिंग हाउस जो आरबीआई का एजेंट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एजेंट है, वहां पे जाएगा और फिर मेरा बैंकर क्लियरिंग हाउस में जाके आपके बैंकर से बात करेगा कि जी ये सपोज आपका नाम महेश है, तो पूछेगा जी ये महेश के, महेश ने चेक दिया है पद्मा जैन को, तो महेश के अकाउंट में इतना पैसा है, क्या वो पैसा पद्मा जैन के अकाउंट में जा सकता है, क्या वो पेमेंट हो सकती है। फिर आपका बैंक बोलेगा, देखेगा कि सब ठीक है, उसको और भी कई बातें होती हैं, उधर नहीं जाना आपको अभी, छोटे लेवल पे है स्टोरी, तो फिर वो बोलेगा ठीक है पेमेंट हो सकती है, फिर वो आपका अकाउंट में पैसा कम कर देगा और मेरे बैंक जो है वो मेरे अकाउंट में पैसा बढ़ा देगा। आपका बैंक आपके अकाउंट में पैसा कम कर देगा, मेरा बैंक मेरे अकाउंट में पैसा बढ़ा देगा, तो हम बोलेंगे मेरा चेक जो आपने मुझे दिया था वो क्लियर हो गया और इस क्लियरेंस में जिसने हेल्प करी वो क्लियरिंग हाउस है और क्लियरिंग हाउस आरबीआई का एजेंट है जो आपके और मेरे बैंक से कनेक्टेड है। जब भी चेक जाएगा तो अपने आप कनेक्शन पैदा होगा, जैसे मैंने स्टोरी में समझाया, राइट। अब समझ आएगा, ऑटोमेटेड हो गया जिसमें ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिकली चल रहा है, राइट। कहते हैं इट इज अ नेशन वाइड इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग हाउस दैट मॉनिटर्स एंड एडमिनिस्टर्स, ये दो वर्ड पकड़े, प्रोसेस ऑफ चेक एंड फंड क्लियरेंस बिटवीन बैंक्स। जैसे अभी मैंने स्टोरी सुनाई तो बैंक्स के बीच में तो क्लियरेंस हो रही थी ना, आपके अकाउंट में पैसा कम, पद्मा जैन के अकाउंट में पैसा बढ़ गया, राइट। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, तभी तो ऑटोमेटिक है, दैट मिनिमाइजेज ह्यूमन वर्क, क्योंकि ऑटोमेटिक है तो मैन पावर लीस्ट होगा उसमें, एक कंप्यूटर 10 लोगों के बराबर भी काम कर जाता है कभी कभी, तो मिनिमाइजेज द ह्यूमन वर्क इन द प्रोसेस ऑफ क्लियरेंस, इट डिस्ट्रीब्यूट्स डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑटोमेटिकली, है ना। अब जब मेरा बैंक अकाउंट बढ़ेगा तो वो क्रेडिट करेगा ना, मेरे पद्मा जैन का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, बैंक जब पैसे डालता है हमारे अकाउंट में तो क्रेडिट हो जाता है ना, और आपके अकाउंट ने पैसा कम करा है बैंक ने तो वो डेबिट कर देगा आपका अकाउंट, राइट। तो आपका अकाउंट डेबिट, मेरा अकाउंट क्रेडिट, ऑटोमेटिकली सब हो गया, तो वो ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस है, राइट। इसके ऊपर और भी नॉलेज बढ़ेगी जब आगे जाके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ोगे। फिर आता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम, सबको पता है एटीएम पे आप रोज जाते हो अपने पैसे निकालते हो, है ना। तो जब आपके पैसे निकलते हैं तो आपके बैंक अकाउंट से ही तो निकलते हैं, तो ये भी एक ट्रांजैक्शन हो गया जो इलेक्ट्रॉनिकली आपके और आपके बैंक के बीच में हो रहा है, जो एटीएम के जरिए हो गया, तभी तो उसको ऑटोमेटेड बोला गया ना, उसने भी तो मैन पावर को सब्स्टिट्यूट किया ना, देयरफॉर द नेम इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन, राइट। उसे जो पूछते हो अपने रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड बता देता है ना, वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो एटीएम पे जाके। सो दीज आर बेसिकली यूज टू कंडक्ट ट्रांजैक्शंस विद द बैंक इलेक्ट्रॉनिकली, है ना। द ऑटोमेटेड टेलर मशीन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इन टू द फील्ड ऑफ बैंकिंग, कि किस तरीके से हमने कंप्यूटर्स को बैंकिंग में जोड़ दिया है, उसके कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज करके किस तरीके से बैंकिंग को और स्मार्ट बनाते जा रहे हैं हम, राइट। फिर आता है बैलेंस ट्रांसफर, इसका छोटा सा एग्जाम्पल समझो। जैसे सपोज आपने कहीं पे 1 करोड़ का लोन लिया हुआ है, सपोज आपने SBI से, ICICI से, HDFC से, कोई सा भी बैंक ले लो, क्या फर्क पड़ता है, उससे लोन लिया हुआ है, ठीक है। अब बैंक वाई आपको, वाई आपका HDFC, आपको जो भी बैंक बोलना है बोल लो, है ना। बैंक वाई आपको अप्रोच करता है, कहता है सर हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो कम है, सपोज बैंक एक्स, SBI ना बोल के हम बैंक एक्स बोल देते हैं, बैंक एक्स पे जो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे थे वो 9% था, लेट अस सपोज, मालूम नहीं कब का लोन लिया है, 9% चले जा रहा है,
बैंक वाई बोलता है सर हम आपको 7.5% या 8% या 8.5% या 8.75 इतना बोले तब भी आप अट्रैक्ट हो जाओगे, 9 से थोड़ा सा भी कम बोला तो आप अट्रैक्ट होगे। वो बोलता है सर हम आपको इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे देंगे। तो फिर आपने क्या बोला कि ठीक है आप एक काम करो, आप एक्स बैंक को पेमेंट कर दो मेरे लोन की और फिर मैं आपसे लोन ले लेता हूँ। एक तरीके से आपने 1 करोड़ का जो लोन है वो ट्रांसफर कर दिया बैंक वाई को। बैंक वाई ने बोला यस सर हम एक्स का पेमेंट कर देते हैं, एक्स फ्री हो जाएगा, आपका इंटरेस्ट बर्डन कम हो जाएगा, आप हमारे से लोन ले लीजिएगा, वही लोन हम आपके नाम पे दिखा देंगे। बोला ठीक है, इसको बोलते हैं बैलेंस ट्रांसफर। कहता है अ बैलेंस ट्रांसफर इज अ रीपेमेंट ऑफ अ क्रेडिट डेट। मेरा क्रेडिट डेट था बैंक एक्स की तरफ, उसका रीपेमेंट हो गया विद द हेल्प ऑफ अनदर सोर्स ऑफ क्रेडिट। ये मेरा एक और क्रेडिट खड़ा हो गया है ना, ये मेरा एक और लोन हो गया, तो इस लोन की हेल्प से मैंने ये वाला लोन चुका दिया। समझ आ गया ना। इन सम केसेस बैलेंस ट्रांसफर ऑल्सो रेफर्स टू ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। वो एक अलग इशू है कि मेरे दो अकाउंट में पैसा है तो मैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, चाहे सेम बैंक में है चाहे अलग अलग बैंक में, उससे क्या फर्क पड़ता है। अरे यार मुझे पैसे ट्रांसफर करने से, उससे डील करी थी मैंने अकाउंट से, अब वो चेक बाउंस ना हो जाए मुझे अभी बैठ के वो बैलेंस ट्रांसफर करना पड़ेगा। हाँ कर लो ऐसे, तो वो भी एक पॉइंट है ना। फिर बैंक अकाउंट तो सब समझते हैं कि बैंक के पास मेरा एक अकाउंट मैंने बनवा लिया जिसमें मैं पैसे डालता हूँ, तो जब मांगूंगा बैंकर मुझे पैसे दे देगा, सबको पता है ये बात। तो मैं क्रेडिटर हो जाता हूँ क्योंकि मैंने पैसे दिए, और बैंकर मेरा डेटर हो जाता है, तो मेरे अकॉर्डिंगली उसको काम करना पड़ता है, राइट। तो अकाउंट हेल्ड बाय अ पर्सन विद अ बैंक विद द हेल्प ऑफ विच द अकाउंट होल्डर कैन डिपॉजिट सेफगार्ड हिज मनी अर्न इंटरेस्ट एंड ऑल्सो मेक चेक पेमेंट्स, पता है ना सारी। फिर आता है ब्रिज फाइनेंसिंग। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सपोज आपने कहीं से कोई इंपोर्ट किया है, राइट, या कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप, राइट, और उसकी पेमेंट आपको करनी है 1 करोड़ 5 करोड़ हमारा क्या जा रहा है ना, कोई पेमेंट है जो आपने करनी है, ठीक है, ह्यूज पेमेंट है, वंस ईयर लेटर सपोज आपने कोई पेमेंट करनी है और इसके लिए आप लोन ले रहे हैं, लेकिन ये लोन की सारी फॉर्मेलिटीज में आपके 2-3 महीने खर्च हो जाएंगे, लेटर सपोज 3 मंथ्स लग जाएंगे। अब 3 महीने बाद आपको बैंक पैसा देगा तो बड़ी दिक्कत हो गई आपको। तो ये जो शॉर्ट टर्म पीरियड है 3 मंथ्स का, इसके लिए आप किसी से लोन ले लेते हैं कि तू मुझे फाइनेंस कर दे 1 करोड़, सिर्फ 3 महीने के लिए लूंगा, 3 महीने बाद तेरे को पैसे वापस कर दूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे लोन मिल जाएगा तो वो लोन मैं तेरे को दे दूंगा। जब ये लोन मुझे मिल जाएगा 3 महीने बाद, ये लोन मैं तेरे को दे दूंगा, तो तेरा लोन क्लियर हो जाएगा, सामने वाले को भी लग जाएगा कि हाँ इसने बैंक से पक्का मैंने देखा है अप्लाई किया है, बैंकर कह भी रहा है लोन मिल जाएगा, लेकिन वाकई पूरी प्रोसेस में 2-3 महीने लगेंगे, तो मेरे पास पैसे पड़े हैं, अच्छा है, मेरा इंटरेस्ट भी अर्निंग हो जाएगी और ये श्योर भी है कि ये पैसे दे भी देगा, तो वो भी बड़े आराम से पैसे होंगे तो आपको लोन दे ही देगा। ब्रिज क्या होता है, ब्रिज एक पुल होता है ना, तो इसलिए इसको ब्रिज फाइनेंसिंग बोला गया कि जो मुझे एक्चुअल टाइम है और मुझे आज जरूरत है, इसके बीच जो गैप है उस गैप को आपने फिल कर दिया ना इस शॉर्ट टर्म लोन को देके मुझे, तो आपने एक पुलिया की तरह या पुल की तरह या ब्रिज की तरह काम किया ना फाइनेंस करने में मुझे, कि 3 महीने के लिए मैंने आपसे लोन लिया, 3 महीने बाद मेरे पास बैंक से लोन आया और वो लोन मैंने आपका चुका दिया, तो ये 3 महीने के लिए तो आपने मेरी मदद करी ना, इसको बोलते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग या गैप फाइनेंसिंग। रटने वाला वर्ड नहीं है ना, अगर आप ध्यान से सुनते हैं स्टोरी को, कहता है ऑल्सो नोन एज गैप फाइनेंसिंग, है ना, वो भी रटना नहीं है क्योंकि जो पीरियड का गैप है उसी में तो फाइनेंस कर रहे हैं आप। इट इज अ लोन वेयर द टाइम एंड कैश फ्लो बिटवीन अ शॉर्ट टर्म लोन एंड अ लॉन्ग टर्म लोन इज फिल्ड अप, है ना, तो वो टाइम कितना है 3 मंथ्स, उस टाइम को आपने फिल कर दिया। आपका लोन शॉर्ट टर्म है, जो बैंक से लोन लिया वो 10 साल 20 साल कितना भी हो सकता है, 1 करोड़ मेरी हिम्मत के हिसाब से ही पे करूंगा, तो जैसा भी मैंने बैंकर के साथ 5 साल हो मैं कहता हूँ, है ना, तो फिर ये लॉन्ग टर्म लोन हो गया और ये शॉर्ट टर्म हो गया। कहता है इट बिगिंस एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द फर्स्ट लोन एंड एंड्स विद द स्टार्ट ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द सेकेंड लोन। समझ आ गया होगा कि मैंने आपसे 3 महीने के लिए लिया, आज मैंने आपसे लिया और 3 महीने पे ये खत्म हो जाएगा, तो ये 3 महीने बाद मेरा दूसरा पीरियड शुरू हो जाएगा लॉन्ग टर्म लोन का, तो वही उसने बोला
कहता है इट बिगिंस एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द फर्स्ट लोन एंड एंड्स विद द स्टार्ट ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द सेकेंड लोन. तो 3 महीने के एंड पे आपका लोन खत्म होता है, दूसरा लोन शुरू हो जाता है. समझ में आ गया ना? देयर बाय ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द टू लोन्स, इट इज ऑल्सो नोन एज गैप फाइनेंसिंग. रिपीट हो गया. फिर आता है बाउंस चेक. बाउंस चेक होता है डिसऑनर्ड चेक. डिसऑनर्ड चेक होता है कि मुझे आपने नहीं, आप तो अच्छे इंसान है, किसी ने मुझे चेक दिया, मैंने अपने बैंक को जाके दिया, बैंक ने क्लियरिंग हाउस में भेजा, क्लियरिंग हाउस में उस जिसने मुझे चेक दिया उसके बैंक से बात हुई तो उसने बोला इसके अकाउंट में पैसे नहीं है, या इसने तो बोला पैसे नहीं देने हैं, तो उसके बैंक ने मेरे बैंक को साफ मना कर दिया कि पैसे नहीं मिलेंगे, मतलब हम इस चेक को ऑनर क्लियर नहीं कर सकते, तो ये बाउंस हो गया ना. फिर मेरा बैंक मुझे बताएगा ओहो जी आपका जो चेक है वो तो बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया, उन्होंने ऑनर नहीं किया, उन्होंने पैसे नहीं दिए. रीजन बता रहे हैं इनसफिशियंसी ऑफ फंड्स, तो रीजन भी बकायदा वो मुझे बताएंगे कि किस वजह से डिसऑनर हुआ, और बहुत डिटेल है इसका. अभी नहीं, जब आगे लॉ पढ़ोगे नेगोशिएबल एक्ट तो बहुत अच्छा समझ आएगा, अभी भी आ गया होगा वैसे आपके लेवल पे. कहते हैं इट इज नथिंग बट एन ऑर्डिनरी बैंक चेक दैट एनी बैंक कैन रिफ्यूज टू एनकैश और पे बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट देयर आर नो सफिशियंट फाइनेंसेस इन द बैंक अकाउंट ऑफ द ओरिजिनेटर और ड्रॉअर ऑफ द चेक और सम अदर वैलिड रीजन. कि या तो सफिशियंट फाइनेंस नहीं है या फिर कोई और रीजन है जिसकी वजह से जो ओरिजिनेटर है, ओरिजिनेटर मतलब जिसने मुझे चेक दिया था, है ना, उसी ने चेक बनाया था. जो चेक बनाता है उसको ड्रॉअर बोलते हैं. आपने चेक लिखा, आपने चेक बनाया तो आप ड्रॉअर हो गए, ठीक है, और मैं पे ही हो गया. अगर मुझे पैसा मिलना है तो जो जिसको पैसा मिलता है वो पे ही हो जाता है. तो पे ही के पास जब चेक आया तो फिर पे ही के बैंकर ने जो पेयर है या ड्रॉअर है उसके बैंक से बात करी तो उसने बोला पैसे नहीं है. तो फिर जो ड्रॉअर है उसी को ओरिजिनेटर बोला जाएगा ना, तो उसके बैंक ने एनकैश करने से या पे करने से मना कर दिया तो वो चेक बाउंस हो गया, राइट. फिर एक वर्ड आता है कैप. एक वर्ड आता है कैप, एक वर्ड आता है फ्लोर. तो कैप ऊपर पहनते हैं, फ्लोर नीचे होता है. तो इसी से समझ आ जाता है कि कैप जो है, जब भी ये वर्ड आए तो एक वर्ड दिमाग में आना चाहिए अपर लिमिट, और फ्लोर से एक वर्ड आना चाहिए लोअर लिमिट. ये वर्ड्स आगे जाके काम आएंगे, अभी नहीं. अभी तो बस एक वर्ड सीखना है आपको कि ये किस सेंस में यूज हो रहा है यहाँ पे, राइट. अब जैसे अब हमने लोन लिया, ठीक है, कुछ गिरवी रख के हमने लोन लिया, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो 6% था, बड़े लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल गया लेट अस सपोज. तो बैंकर ने बोला कि जी ये समय के अनुसार चेंज होएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर मार्केट में रेट बढ़ जाता है तो सर हम भी बढ़ाएंगे, तो जो उस वक्त रेट चल रहा होगा वेरिएबल चलेगा सब. मैंने कहा ठीक है सर, ऐसा ना हो कि आप मेरी जान ले लें, तो एक लिमिट तक बढ़ाइएगा, बढ़ाना भी हो तो हमने कैप रख दी 10%. उसके आगे पीछे भी बड़ी फॉर्मेलिटीज है जो मैंने बिल्कुल नहीं बोली है. क्यों? क्योंकि फिर वो एक्स्ट्रा टॉक हो जाएगी, फिर वो फायदा नहीं है, फिर उससे दिमाग और खुलेगा, फिर आपके और क्वेश्चन उभरेंगे और कन्फ्यूजन, कोई फायदा नहीं है, ठीक है, पढ़ना नहीं है उस लेवल पे आपको अभी. तो अभी छोटी सी बात कि मैंने बोला कि जी ये जो कैप है इसकी 10% रखेगा, इसका मतलब अपर लिमिट 10%, उससे ऊपर नहीं सर. तो बोले हाँ ठीक है. अब टर्म्स एंड कंडीशंस कैसे बनी क्या वो नहीं जानना आपको, बस इतना समझ आ गया कि कल को अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा तो भी वो 10% तक बढ़ाएंगे, उसके ऊपर नहीं बढ़ाएंगे, आई विल बी सेफ. समझ आया कुछ? कहता है इट इज अ लिमिट, है ना, जो मैंने भी रखी, दैट रेगुलेट्स द इंक्रीज और डिक्रीज. अगर डिक्रीज होता तो आई एम हैप्पियर, 6 का 5 कर देते हो मुझे बड़ी खुशी है. तो वो कहता है कि इस लिमिट से डिसाइड हो जाएगा कि कहां तक इंक्रीज होगा. नहीं, लोअर लिमिट तो फ्लोर है, उसकी हम बात नहीं कर रहे अभी. रेगुलेट्स द इंक्रीज और डिक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट्स ऑफ एन एडजस्टेबल रेट मॉर्गेज. कि मैंने गिरवी रखा है कोई प्रॉपर्टी, फिर लोन लिया तो मॉर्गेज हो गया. मॉर्गेज मतलब प्रॉपर्टी गिरवी रखा और लोन लिया, है ना, तो एडजस्टेबल रेट है. इसका मतलब है समय के साथ रेट में वेरिएशन आएगा. अब समझ आया कैप क्या होता है? फिर आता है कैशियर चेक. ये बैंकर का चेक है. कहता है द कैशियर चेक इज ड्रॉन बाय अ बैंक. ये चेक किसने बनाया है? बैंक ने बनाया है. किस पर बनाया? खुद पे बनाया. बैंक जो चेक बनाता है, बैंक क्या, मैं भी जो चेक बनाता हूँ, आप चेक बनाते हो, हम जो भी चेक बनाते हैं वो एक ऑर्डर होता है. हमारे बैंक को ऑर्डर होता है कि जी आपको हम ऑर्डर कर रहे हैं हमारे अकाउंट से इतना पैसा निकाल के इस व्यक्ति विशेष को दे दो, ठीक है. अब जो कैशियर चेक है ये बैंक खुद पे ड्रॉ करता है. समझ आया? खुद को ही ऑर्डर कर रहा है. कहता है इट इज ड्रॉन बाय अ बैंक ऑन इट्स ओन नेम. खुद ही को ऑर्डर कर रहा है. इसकी शुद्धि ये है कि एक बैंक खुद को ऑर्डर कर रहा है पेमेंट करने की. किसको? किसी को भी, अदर ऑर्गेनाइजेशन, बैंक, कॉर्पोरेशन, इंडिविजुअल, कोई भी हो सकता है.
तो जब बैंकर ने अपने ऊपर चेक ड्रॉ किया कि और खुद को ही ऑर्डर किया कि इसको पेमेंट करनी है, तो जो चेक बना वो कैशियर चेक है, समझ आया? अरे कैशियर के पास जा बेटा पैसे ले ले, तो बैंक में कैशियर बैठा होता है ना, ऐसे सोचोगे तो सेट हो जाएगा, याद आ जाएगा मतलब। फिर कैश रिजर्व, ये तो सिंपल वर्ड है, कैश रिजर्व हो गया कि मेरे अकाउंट में इतना पैसा रिजर्व में पड़ा है, मैं एकदम जाके कैश फॉर्म में ले आके आ सकता हूँ अपने अकाउंट से। कहता है इट इज अ टोटल अमाउंट ऑफ कैश दैट इज प्रेजेंट इन द बैंक अकाउंट, विड्रॉन कैन बी विड्रॉन इमीडिएटली, राइट? फिर आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो हेडिंग से ही पता चल रहा है कि मैंने डिपॉजिट किया है और बैंकर ने मुझे एक सर्टिफिकेट दिया है कि हम सर्टिफाई करते हैं कि हमने इतना पैसा आपसे एज डिपॉजिट लिया और इतने टाइम के लिए लिया है। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स होते हैं, और फिर एक फिक्स डिपॉजिट है तो एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा और एक समय के बाद मुझे एक पर्टिकुलर अमाउंट वापस हो जाएगा। दैट इज व्हाट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, राइट? तो कहता है इट इज अ सर्टिफिकेट ऑफ सेविंग डिपॉजिट दैट प्रॉमिसेस द डिपॉजिटर द सम बैक अलॉन्ग विद अप्रोप्रिएट इंटरेस्ट, कि आपको ये पैसा इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इतने टाइम बाद वापस हो जाएगा, राइट? फिर चेक आ गया, वो तो मैं बड़ी देर से सिखा रही हूँ। हमारे इंडिया में तीन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट। चौथा कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इनको नेगोशिएबल क्यों कहते हैं अभी नहीं बताना मुझे, बहुत डीप टॉक है, राइट? तो चेक क्या है? चेक एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो एक बंदा आपने ड्रॉ किया मेरी फेवर में अपने बैंक पर, आपने ड्रॉ किया अपने बैंक पर, इसका मतलब आपने अपने बैंक को ऑर्डर किया कि पद्मा जैन की फेवर में मेरा नाम लिखा, पे टू पद्मा जैन, और फिर बैंकर को दे दिया। मैंने, आपने मुझे चेक दिया, मैंने अपने बैंक को दे दिया, मेरे बैंक ने आपके बैंक को चेक दिखाया, आपके बैंकर ने देखा अरे भाई आपने उनको ऑर्डर किया तो उन्होंने आपके अकाउंट से पैसे निकाल के पद्मा जैन को दे दिए, या पद्मा जैन के बैंक को दे दिए। फिर अब कोई बैंक अकाउंट कोई डब्बा थोड़ी ना जिसमें से पैसे निकाले और दे दिए, इट्स नॉट दैट, इट्स ओनली ओनली डेबिट और क्रेडिट एंट्री, राइट? वो आपको पता है। कहता है अ चेक इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दैट इंस्ट्रक्ट्स द बैंक, है ना? तो ऑर्डर किसको जा रहा होता है? बैंकर को जा रहा होता है। तो जो चेक बनाता है वो ड्रॉअर हो जाता है और बैंक जिस पर ऑर्डर किया गया वो ड्रॉई बैंक हो जाता है, ड्रॉई बैंक, राइट? क्योंकि उस पर ड्रॉ किया ना। टू पे अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी फॉर द राइटर्स बैंक, फ्रॉम द राइटर्स बैंक, राइटर कौन है? ड्रॉअर। ड्रॉअर कौन है? जिसने चेक लिखा, आप, है ना? टू द रिसीवर, रिसीवर कौन है? पे, जिसको पैसे मिलने, जिसके नाम पर चेक बनाया, जिसकी फेवर में चेक बनाया, आपने चेक पे लिखा पे टू पद्मा जैन, तो पद्मा जैन इज द रिसीवर और द पे, राइट? फिर क्लियरिंग मैंने पहले ही बता दिया आपको, जिसमें पूरी स्टोरी सुनाई थी, है ना? तो बोलता है बेसिकली ए फंक्शन दैट इज एग्जीक्यूटेड एट द क्लियरिंग हाउस, आरबीआई का एजेंट, व्हेन ऑल अमाउंट ऑफ द चेक इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पेयर्स अकाउंट एंड एडेड टू द पेज अकाउंट, तो आपका अकाउंट डेबिट हो जाएगा बैंकर और मेरा बैंकर मेरे अकाउंट को क्रेडिट कर देगा, नहीं? फिर क्लियरिंग हाउस, क्लियरिंग हाउस जो मैंने अभी बोला जहां पे क्लियरिंग होती है, ही सेज इट इज अ प्लेस जो आरबीआई के अंडर है, वेयर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट बैंक, आपका बैंक और मेरा बैंक, है ना, दोनों वहां पे मिले थे तो बैंक थोड़ा ना मिलेगा, रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा, वहां से जो कनेक्टेड पर्सन है वो जाएगा, मीट फॉर कंफर्मिंग, मेरे बैंकर ने आपके बैंकर से पूछा था पैसे हैं, तो आपके बैंक ने कंफर्म किया हाँ है, ये एंट्री हो सकती है डेबिट और क्रेडिट की, एंड क्लियरिंग ऑल द चेक्स, एंड चेक्स की स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, एंड बैलेंसेस विद ईच अदर, राइट? द क्लियरिंग हाउस मोस्ट कंट्रीज मैनेज बाय सेंट्रल बैंक, तो हमारे यहाँ भी आरबीआई मैनेज करता है, राइट? फिर आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, बच्चों वाली चीज है। जब मैंने 1,00,000 रुपया दिया और उस पर मैंने कहा भैया मैं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगाऊंगा 5%, लेकिन कंपाउंड लगेगा, अब उसे मैं ईयरली कंपाउंड करूँ या मंथली या क्वार्टरली वो मेरी मर्जी। तो कंपाउंड का मतलब है कि जो मेरा अमाउंट मैंने दिया उस पर तो मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा ही करूंगा, प्लस जो इंटरेस्ट ड्यू हो गया उसके ऊपर, आपने मुझे दिया तो नहीं है ना वो इंटरेस्ट, तो उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा, तो फिर वो कंपाउंडिंग हो गया ना। सिंपल इंटरेस्ट में हम सिर्फ जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन कंपाउंड में हम प्रिंसिपल प्लस जो इंटरेस्ट हो गया जो आपने पे नहीं किया मुझे उस पर भी इंटरेस्ट लेते हैं। तो 1,00,000 हो गया, फिर उसके ऊपर 10,000 का इंटरेस्ट जुड़ गया, आपने पे नहीं किया, तो अगली बार मैं इंटरेस्ट 1,10,000 पे लूंगा आपसे, तो ये कंपाउंडेड इंटरेस्ट हो गया, राइट? हाँ, समझ आ जाएगा, लैंग्वेज बहुत सिंपल है इसमें। फिर आता है डेबिट कार्ड, एक होता है क्रेडिट कार्ड, एक होता है डेबिट कार्ड। तो डेबिट, ये रटने वाले वर्ड्स नहीं होते हैं, क्रेडिट कार्ड मतलब मैं बैंकर से क्रेडिट ले रहा हूं, इसका मतलब है अगर मैं आप एक दुकान पे जाके अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करवाता हूं, तो इसका मतलब है कि
उसको पेमेंट मेरे बैंक से मिल जाएगी और मेरा बैंक मेरे से पेमेंट एक महीने बाद लेगा। इस महीने में जितनी भी ट्रांजैक्शन हो जाएंगी मेरे क्रेडिट कार्ड से, उसकी पेमेंट अगले महीने लेगा मेरे से। तो एक महीने का तो क्रेडिट मिल ही गया ना मुझे बैंक से, इसलिए वो क्रेडिट कार्ड है। लेकिन डेबिट कार्ड ऐसा नहीं होता। डेबिट कार्ड का मतलब है मेरे बैंक में जो पैसे जमा है उसमें से ही पैसे निकलेंगे। तो एक तरीके से बैंक मुझे क्रेडिट नहीं दे रहा है, बल्कि मेरे अकाउंट को हर बार डेबिट कर रहा है जब भी मैं डेबिट कार्ड स्वाइप कर रहा हूँ। तो मेरे अकाउंट में पैसे होंगे तो मैं डेबिट कार्ड यूज कर पाऊंगा। मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है फिर भी मैं क्रेडिट कार्ड यूज कर सकता हूँ क्योंकि बैंकर मुझे उधार दे रहा है। बट डेबिट कार्ड में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, राइट? मेरे अकाउंट से पैसा निकलेगा। तभी वो लिखता है, कहता है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट वॉज डेवलप्ड विद डिजिटल कैश टेक्नोलॉजी। सिंपल है, आपको पता है, इंटरनेट के जरिए हो रहा है। इज यूज व्हेन अ कंज्यूमर मेक्स दैट पेमेंट फर्स्ट टू द क्रेडिट कार्ड कंपनी, मतलब बैंक, एंड देन स्वाइप द कार्ड। कि पहले मेरे अकाउंट में पैसे होंगे फिर ही मैं स्वाइप कर सकता हूँ कार्ड, राइट? वो कहता है बिल्कुल ऑपोजिट है क्रेडिट कार्ड से, इसलिए मैंने दोनों समझाया आपको। फिर डिपॉजिट स्लिप, बेटा ये 30,000 ले जरा बैंक में जाके जमा करा। तो जब कैश, उसमें 500 का नोट भी था, 2,000 का नोट भी था, फिर उसमें कुछ 100 रुपए के नोट भी थे। क्या हो गया पप्पा को, 50 रुपए तक के नोट दे डाले मुझे। हाँ ठीक है, जो भी है, कॉइन्स भी हैं, सब कुछ हो सकता है। तो फिर उसमें जो डिपॉजिट स्लिप है, कॉइन्स नहीं होंगे उसमें, रुपीज में ही होगा मेरे ख्याल से सब कुछ। हाँ रुपीज में ही होगा। तो डिपॉजिट स्लिप में आप वो भर देंगे कि कितने डिनोमिनेशन के आपने उसको नोट दिए हैं। हाँ 50 का नोट है या 100 का नोट है या 1,000 का, 1,000 तो है नहीं, 2,000 का नोट है, या जैसे भी है। आर यू गेटिंग? कहता है इट इज अ बिल ऑफ आइटमाइज नेचर। आइटम्स उसमें आ जाते हैं ना, कि 100 का कितने का, कितने नोट मैंने 100 के जमा कराए, कितने नोट मैंने 500 के जमा कराए, कितने नोट मैंने 2,000 के जमा कराए, है ना? एंड डिपिक्ट, डिपिक्ट मतलब दिखाता है, शोज द अमाउंट ऑफ पेपर मनी। पेपर मनी तो थी जो मैंने बैंक को दी है ना, कागज के नोट। कॉइन्स, इसने लिख दिए कॉइन्स भी। एंड चेक नंबर्स, ये तब होता है जब मैं चेक जमा कराता हूँ, तो चेक का डिपॉजिट स्लिप अलग होता है, उसमें फिर चेक का नंबर आ जाता है, राइट? एंड दैट आर बीइंग डिपॉजिटेड इनटू अ बैंक अकाउंट। अगर आपने कभी पैसा जमा कराया तो आपको ऑलरेडी पता है, आपके डैड के पास बहुत सारे डिपॉजिट स्लिप्स पड़ी होंगी, आप कोई भी चेक कर सकते हो। और अगर आपने जमा नहीं कराया तो मैं आपको सलाह दूंगी, डैड के साथ जाके एक बार आप जमा करा के देखो, या डिपॉजिट स्लिप तो स्टडी करो घर पे बैठ के। नहीं, बहुत सिंपल सी होती है। डिपॉजिटर जिसने बैंक में जमा कराया, नहीं? डेट सेटलमेंट, डेट होता है उधार। सेटलमेंट की जरूरत तब पड़ती है जब मेरे आंसू आ रहे होते हैं, सेटल कर दो सर, हेल्प कर दो सर, है ना? ये डेट सेटलमेंट की सिचुएशन है जिसमें आप कोई ना कोई मदद मांग रहे हैं सामने वाले से, क्योंकि हालात हमारे इतने अच्छे नहीं है कि हम एकदम पैसे जेब से निकालें और दे दें, सामने वाले का डेट पे कर दें। तो हम उससे मदद मांग रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दे, टर्म्स इजी कर दे, थोड़ा सा लोन माफ कर दे, कुछ भी कर रहे हैं, है ना? कहता है इट इज अ प्रोसीजर वेयर इन अ पर्सन इन डेट नेगोशिएट्स, है ना, डिस्कस कर रहा है कि भैया कुछ माफी, है ना, कुछ कम, कुछ सहायता कर दे मेरी। नेगोशिएट्स द प्राइस विद द लेंडर ऑफ अ लोन इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इंस्टॉलमेंट रेट ऑफ रीपेमेंट, है ना? भाई तू 6-6 महीने बाद लेता है तो मेरे से 1 साल बाद पेमेंट ले ले, ऐसे करके इंस्टॉलमेंट्स की। फिर थोड़ा कहीं भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दे, कुछ भी हेल्प ले रहे हैं आप, राइट? टू इंश्योर अ फास्ट एंड गारंटीड रीपेमेंट। अगर ऐसे हेल्प कर देगा तो मैं पक्का पैसे दे दूंगा क्योंकि मैं वो कर पाऊंगा, ऐसे, राइट? और उसके बाद लेकिन एक और सिचुएशन हो सकती है इसमें। ये वो सिचुएशन जिसमें हम ये कह रहे हैं सेटलमेंट करने का मतलब है कि उल्टा भी हो सकता है कि तू मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर, मैं तेरे को 10 इंस्टॉलमेंट के बजाय 5 इंस्टॉलमेंट में पे करता हूँ, ऐसे भी हो सकता है। लैंग्वेज देखो, कहता है वेयर इन द पर्सन इन डेट नेगोशिएट्स द प्राइस विद द लेंडर ऑफ अ लोन इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इंस्टॉलमेंट्स, कि मैं 10 इंस्टॉलमेंट्स के बजाय 5 इंस्टॉलमेंट्स में रीपे कर देता हूँ, है ना? एंड द रेट ऑफ रीपेमेंट एंड इंश्योर्स अ फास्ट एंड गारंटीड रीपेमेंट, कि मैं पक्का पैसे दे दूंगा और जल्दी चुका दूंगा तेरा पैसा। ये सेंस भी आ सकती है इसके, राइट? फिर डेट रीपेमेंट तो हो गया कि आप रीपे कर रहे हो इंटरेस्ट के साथ अपना जो पैसा देना है। फिर डेट रिकवरी होता है डेट सेटलमेंट करके पैसा रिकवर करना, इसलिए वो वाला सेंस ज्यादा सही लग रहा है कि तू मैं तेरे को ये फायदा देता हूँ, तू जल्दी पे कर, तू दे पैसे मुझे, मैं तेरे को ये फायदा देता हूँ, ये कम कर देता हूँ, ऐसे कम कर देता हूँ, रेट जो भी है ना? कहते हैं इट इज इनिशिएटेड बाय द बैंक्स एंड लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, क्योंकि उन्हीं को टेंशन है ना कि पैसा आ जाए, अच्छा रहे, तो डेट रिकवरी वो करेंगे ना, और फिर वो प्रोसीजर्स लगाएंगे जैसे डेट सेटलमेंट, सेलिंग ऑफ कोलेट्रल्स। कोलेट्रल्स मतलब जो उन्होंने एडिशनल सिक्योरिटी ली है, जैसे आपने लोन लिया,
आपने कोई भी चीज गिरवी रखी है, ज्वेलरी गिरवी रखी है, तो वो ज्वेलरी को बेच के पैसा निकाल लेंगे या डेट सेटलमेंट कर लेंगे, आपके साथ कोई एडजस्टमेंट कर लेंगे कि चल हम कुछ एडजस्टमेंट करते हैं, तू पैसे दे फटाफट, कैसे दे पाएगा बता, दैट इज वॉट, समझ आया। फिर ई कैश तो जितना भी इंटरनेट के जरिए कैश इधर उधर हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तो इलेक्ट्रॉनिक कैश एंड डिजिटल कैश ये तो पढ़ते हैं, तो आप रोज करते हैं तो पता ही है आपको। फिर आता है अर्ली विड्रॉल पेनल्टी, हेडिंग को ध्यान से देखो वही समझ आ जाता है। अर्ली विड्रॉल इसका मतलब है कि अगर आप जल्दी निकाल लोगे पैसा तो आपको पेनल्टी मिलेगी। देखो बैंकर के पास आप जमा कराते हो पैसा तो वो आगे क्रेडिट क्रिएशन करता है ना, उस पैसे से आपको इंटरेस्ट देता है, लेकिन आपके पैसे से आगे भी तो इंटरेस्ट कमाता है ना, तो बैंक का तो बिजनेस ही इसलिए चल रहा है क्योंकि आप उसको पैसा जमा करा रहे हो। लेकिन अगर आपने वो पैसा समय से, आपने 2 साल के लिए जमा कराया लेकिन आप पहले निकाल रहे हो, अर्ली विड्रॉल कर रहे हो, तो फिर वो आपसे कुछ आपको नुकसान पहुंचाएगा ना, क्योंकि आपने टर्म तोड़ी है, तो इसलिए उसकी फिर पेनल्टी लग जाती है जो आपको पहले से ही बता दी जाती है कि सर आप पहले निकाल लोगे तो फिर ये नुकसान होगा आपको। तो कहते हैं इट इज अ बेसिकली अ पेनल्टी दैट इज लेविड, लेविड का मतलब होता है चार्ज्ड बाय अ बैंक बिकॉज ऑफ एन अर्ली विड्रॉल ऑफ अ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय एनी इन्वेस्टर, ठीक है ना। और कहते हैं वो किसी भी तरीके से पेनल्टी हो सकती है, लाइक फॉरफीटिंग द प्रॉमिस इंटरेस्ट, कि हम आपको इंटरेस्ट नहीं देंगे क्योंकि आपने जल्दी निकाल लिया, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमने आगे पैसा लगाया था, हमारा भी तो इंटरेस्ट लॉस हो गया क्योंकि वो पैसा निकालना पड़ गया, तो ऐसे ही आपको भी इंटरेस्ट लॉस होना चाहिए फिर, है ना। फिर आता है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, आपने 1 करोड़ का 2 करोड़ का प्रॉपर्टी लिया, ठीक है, उसी वक्त आपने उसको 20 लाख डिपॉजिट कराया, जब आपने डील करी आपने कहा 20 लाख अभी लो, फिर आपको मैं 20 लाख 50 लाख जो भी उसने बोला, बाकी पेमेंट 30 डेज बाद। तो ये जो स्टार्टिंग में आपने पेमेंट दिया है ना, दैट इज अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, अर्नेस्ट मतलब जो शुरू में आपने ट्रांजैक्शन के वक्त दे दिया, राइट। कहता है इट इज मेड बाय द बायर टू द पोटेंशियल सेलर ऑफ अ रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी खरीदी ना आपने, इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ नेगोशिएशन ऑफ परचेज, है ना, समझ में आया। जैसी डील हुई बयाना, इसको हिंदी में बोलते हैं बयाना, पकड़ा दिया मैंने, दैट इज वॉट इज अर्नेस्ट मनी, जो एडजस्ट हो जाएगा बाद में। फिर एक्सपीरेशन डेट, एक्सपीरेशन डेट होता है जिस पे कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है, खत्म हो जाता है, इंडिकेट्स द इनवैलिडिटी, कि जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है जैसे कोई कागज है उसकी वैलिडिटी पीरियड 6 मंथ्स है, तो उसके बाद फिर वो एक्सपायर हो जाता है, तो उसकी एक्सपीरेशन डेट है। जैसे हम चेक इशू करते हैं, तो चेक जब हम इशू करते हैं तो उसकी जो वैलिडिटी पीरियड होता है वो 3 मंथ्स होता है, 3 मंथ्स के बाद वो इनवैलिड हो जाता है, वो स्टेल हो जाता है चेक, तो हर चीज की एक एक्सपायरी एक्सपीरेशन डेट होती है, नहीं। फिर आता है एजुकेशन लोन, आप लेते रहते हैं बच्चे लोग कि मैं ये वाला एजुकेशन लेना चाहता हूँ, तो इसके लिए बैंक से मैं 10 लाख का लोन ले रहा हूँ, और जब मेरा जॉब लग जाएगा फिर मेरी इंस्टॉलमेंट शुरू होगी। मतलब कितना अच्छा खूबसूरत सा ख्याल है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है एजुकेशन लोन का कॉन्सेप्ट। कहता है स्टूडेंट्स लोन भी बोलते हैं इसको, स्पेसिफिकली मेंट टू प्रोवाइड फर्स्ट, फर्स्ट मतलब इमीडिएटली बोरोवर्स एक्सपेंडिचर टूवर्ड्स एजुकेशन, आपके एजुकेशन पे जो खर्चा है बैंकर दे देगा, राइट। और इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लो होता है ताकि आप एनकरेज हो पढ़ाई करने के लिए। पीरियड ऑफ रीपेमेंट स्टार्ट कब होगा, जब लोन का पीरियड खत्म हो जाएगा, आफ्टर द कंप्लीशन पीरियड ऑफ द लोन, ठीक है ना, मतलब जब आपकी जॉब स्टार्ट हो जाएगी तब आप अपना रीपे करना शुरू कर देना, राइट। मजे से पढ़ाई करो, पढ़ाई खत्म होने के बाद आपका शुरू होगा रीपेमेंट, कितना खूबसूरत है। फिर गारंटर तो आपको भी पता है, जो किसी भी चीज की गारंटी दे रहा है कि आप इसको लोन दे दो सर ये चुका देगा, नहीं चुकाएगा मैं बैठा हूँ, आप मेरे, मैं लिख के देता हूँ साइन करके आपको, आप मेरे से पैसा लेना, तो आप गारंटर हो गए, आपकी सेकेंडरी लाइबिलिटी हो गई, जिसकी आपने गारंटी दी है उसकी प्राइमरी और आपकी सेकेंडरी, राइट। वही है, कहता है इट इज अ गारंटर इज अ क्रिएटर ऑफ ट्रस्ट, क्यों, क्योंकि मैंने आपको दिखाया ना, आपको मेरे पे विश्वास है, तो मैंने वो विश्वास क्रिएट किया है ना, आपको भरोसा दिलाया ना, देयरफॉर आई एम क्रिएटर ऑफ ट्रस्ट, भरोसा दिला रहा हूं ना मैं ऐसे, कि आप उसको दो पैसे, आप टेंशन नहीं लो, मैं भरोसा दे रहा हूं आपको कि मैं तो हूं ना, आपको मेरे पे विश्वास है ना, देयर बाय आई बिकम द क्रिएटर ऑफ ट्रस्ट, समझ आया। एंड टेक्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन, लायबल इक्वली एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीपेमेंट, वही सब बातें आ जाती हैं। फिर इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जिसका पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में हो रहा है वो इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, कितना सिंपल टर्म है। कहता है पेज अ सीरीज ऑफ इंस्टॉलमेंट्स दैट इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट, वो तो है ही, ऑफकोर्स प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट तो लोगे ही जब रीपे करूंगा, तो नहीं तो हर इंस्टॉलमेंट में कुछ पैसा प्रिंसिपल की तरफ जाएगा, कुछ पैसा इंटरेस्ट की तरफ जाएगा, राइट।
फिर इंटरेस्ट, वो तो आपको पता ही है कि मैं आपसे पैसे ले रहा हूं, तो एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो आपने मुझे दिया कैपिटल, तो कैपिटल पे फिर जो फैक्टर इनकम है वो क्या है? इंटरेस्ट है। तो कोई किसी को पैसा देता है तो वो खुद तो यूज नहीं कर रहा ना अपना पैसा, तो वो जो टाइम पीरियड दूसरे ने उसका पैसा यूज किया, उसका कोई तो पेमेंट बनता है ना, तो उसको इंटरेस्ट बोलते हैं, राइट? कि यूज ऑफ मनी आप करो जबकि पैसा मेरा है, तो कुछ तो दो इस चीज का, समय का, तो इसलिए कुछ परसेंटेज ले लेते हैं जो अमाउंट हम देते हैं उसका, इसलिए उसको हम बोल देते हैं इंटरेस्ट, राइट? कहते हैं इट इज ऑल्सो समटाइम्स टाइटल लाइक कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, है ना? मैंने जो उधार दिया उसका कॉस्ट तो लगेगा ना, अगर आप उधार पे लेते हो तो उसका कुछ खर्चा भी तो होता है, दैट इज व्हाट इज कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, राइट? फिर इंटरनेट बैंकिंग, सब जानते हैं इंटरनेट के जरिए जब आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, ई बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, कुछ भी बोल दो इसको। फिर लेटर ऑफ क्रेडिट, हम इंडिया से अमेरिका एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत दूर की कंट्री हो गई और ह्यूज अमाउंट है जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 70 करोड़, 50 करोड़, कोई भी फिगर बोल दो, हमारा क्या जा रहा है, ह्यूज अमाउंट है, ठीक है? अब हमें ये नहीं पता कि वो जो इंपोर्टर है वो पक्का पैसे देगा कि नहीं देगा, घबराहट है, तो हमने उसको बोला भैया लेटर ऑफ क्रेडिट हमें आप अपने बैंकर से दिलवाओ। इसका मतलब है कि आप अपने बैंक को बोलो कि वो हमें बोले, हमारे बैंक को, कि हमें पक्का पक्का पेमेंट हो जाएगी, जब हमारी तरफ से सारे काम हो जाएंगे, हमने आपको गुड्स भेज दिए, कोई कमी नहीं है, टाइम पर हुआ, सब कुछ सारी टर्म्स फुलफिल करी हैं, तो हमारे अकाउंट में आपके अकाउंट से पैसा आ जाना चाहिए, आप अपने बैंकर को ऐसे बोलो। तो जो वो अमेरिका वाला है वो अपने बैंकर को बोलेगा जी इनकी फेवर में एक लेटर ऑफ क्रेडिट आप इशू कर दो, इसका मतलब है आप इनको एश्योर कर दो कि जब ये टर्म्स पूरी कर देते हैं तो आप मेरे अकाउंट से पैसा निकाल के इनको दे दोगे, तो इनको आप पे तो भरोसा है, मेरे पे नहीं, आप तो बैंक को, आप पे तो भरोसा है ना, ये लेटर ऑफ क्रेडिट है, समझ आया? कहता है अ डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय अ बैंक, इंपोर्टर के बैंक ने मेरे बैंक को लेटर ऑफ क्रेडिट दिया, मेरे बैंक ने फिर मुझे बताया, डेफिनेटली बैंक्स तो इन्वॉल्व होंगे, अ डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय अ बैंक ऑन द ऑन बिहाफ ऑफ द बायर, है ना, और द इंपोर्टर जो अमेरिका में है, स्टेटिंग इट्स कमिटमेंट, बैंकर ने प्रॉमिस किया टू पे अ थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी हम थे एक्सपोर्टर, अ स्पेसिफिक अमाउंट, 50 करोड़, 100 करोड़, तुम्हारी मर्जी है, फॉर द परचेज ऑफ गुड्स बाय इट्स कस्टमर्स हु इज द बायर, राइट? कि उसके बिहाफ पे आपका बैंक हमारे को पैसे दे देगा। द सेलर हैज टू मीट द कंडीशन, ऑफकोर्स हम यहाँ से सारी शर्तें पूरी करेंगे जो भी तय होगा, फिर हम सारे कागज जमा कराएंगे, फिर आप पेमेंट कर दीजिएगा। ऐसे लेटर ऑफ क्रेडिट आर मेनली यूज इन इंटरनेशनल ट्रेड, तभी तो मैंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट का एग्जाम्पल दिया ना, ह्यूज अमाउंट्स वेर इन द कस्टमर एंड सप्लायर लिव इन डिफरेंट कंट्रीज, कि आपने सपोज पैसा नहीं दिया, मैं किधर अमेरिका में जाऊं आपको ढूंढने, मुश्किल हो गया ना, तो अगर आप लेटर ऑफ क्रेडिट अपने बैंक से इशू करवा दोगे तो मेरा एकदम सुकून हो जाएगा, नींद अच्छी आएगी मुझे कि बेटा ये पैसा तो पक्का आएगा, क्योंकि बैंकर कह रहा है उसके पास पैसे है, इधर मैंने इनका काम पूरा किया, उधर बैंकर ने मेरा काम पूरा किया, नक्की, तो कूल हो गया ना। फिर लॉक इन पीरियड होता है, लॉक इन पीरियड होता है कि इस पीरियड के अंदर चेंज नहीं आएगा। अब यहां पे बैंक के कॉन्सेप्ट में है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा, सपोज हमने कुछ गिरवी रख के लोन लिया है, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लॉक इन पीरियड 2 ईयर्स है, इसका मतलब 2 साल तक कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं होगा। तो गारंटी दी है लेंडर ने, बैंक से लोन लिया था हमने, दैट देर विल बी नो चेंज इन द कोटेड मॉर्गेज रेट्स, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड 2 ईयर्स, जैसे मेरे एग्जाम्पल में, विच इज कॉल्ड लॉक इन पीरियड, राइट? मॉर्गेज वर्ड मैं अभी बहुत बार यूज कर चुकी हूँ, मॉर्गेज मतलब मैंने अपनी एक लैंड एंड बिल्डिंग है उसको आपके, आप मतलब बैंक, उसकी फेवर में गिरवी रखा, गिरवी रखने के भी बड़े सारे तरीके होते हैं, हायर लेवल पे पढ़ोगे तो, मैंने आपकी फेवर में अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर दिया, तो आई बी द मॉर्गेजर, यू बी द मॉर्गेजी, और क्यों? क्योंकि आपने मुझे फेवर किया है, आपने क्या फेवर किया, आपने मुझे लोन दिया, तो एज सिक्योरिटी, एज कोलेटरल मैंने वो चीज आपको गिरवी रख दी, कि कल को जब मैं लोन वापस करूंगा तो वो लैंड एंड बिल्डिंग वापस आप मेरे को दे दोगे, और जो मॉर्गेज डीड बनी है वो खत्म हो जाएगी, एग्रीमेंट तो बना होगा ना, डीड तो बना होगा हमारे बीच में जिसमें लिखा होगा ये सब, तो वो फिर मॉर्गेज डीड एक्सपायर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और अगर मैं सपोज पे नहीं किया आपका लोन, तो फिर बैंकर मेरी वो लैंड एंड बिल्डिंग जो है उसको बेच के अपना पैसा निकाल लेगा। तभी तो बैंक को सहूलियत है ना, कि उसको एक सेफ्टी मिल गई कि अगर वो मुझे लोन दे रहा है और कल को मैं भाग गया तो उसे टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरी लैंड एंड बिल्डिंग तो उसके फेवर में मैंने मॉर्गेज किया है ना, गिरवी रखा है ना मैंने, ऐसे समझ आया? लीगल एग्रीमेंट है यूज्ड एज कोलेटरल फॉर द लोन,
जिससे कि पेमेंट सिक्योर हो जाए, बैंकर को श्योर हो जाए पैसे आ जाएंगे, नहीं। फिर मैच्योरिटी, जिस भी पीरियड के लिए हमने वो एक काम किया, वो पीरियड जैसे कंपनी ने बोला जी आपको हम 5 साल बाद रिडेम्पशन करेंगे, बैंकर ने बोला जी ये फिक्स डिपॉजिट जो है आपका 4 साल का है, 5 साल का है, तो 5 साल खत्म हो गए तो मैच्योरिटी हो गई उस डिपॉजिट की, नहीं, तो एंड ऑफ इन्वेस्टमेंट पीरियड है ना ऑफ एनी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। 5 साल का फिक्स डिपॉजिट लगाया था आपके डैड ने, 5 साल खत्म हो गए, मैच्योर हो गया वो, और फिर वो पैसा वापस मिल जाएगा इंटरेस्ट के साथ, नहीं। मार्केट वैल्यू, कि मार्केट में लोग उस, जैसे मैंने कोई शेयर खरीदा था भाई साहब 15 रुपए 20 रुपए का शेयर खरीदा था, और अभी मैंने उसको 500 रुपए का बेचा है, तो मैंने कब खरीदा था वो छोड़ो, आज खरीदा या 5 साल पहले, लेकिन आज कितने में बेचा मैंने उसको 500 रुपए, ये मैटर करता है ना, कितना अच्छा मेरा कैपिटल गेन हुआ मुझे, 20 की चीज 500 में बेची है मैंने, सोचिए। तो ये क्या, 500 रुपए किसने दे दिए तेरे को, इसका मतलब है मैंने 500 पे सप्लाई करना चाहा, सामने वाले ने 500 पे डिमांड करा क्योंकि उसको जरूरत थी, तो वो इतना पैसा भी देने को तैयार हो गया। तो जो मार्केट वैल्यू है वो डिमांड और सप्लाई से डिसाइड होती है। मान लीजिए मैं 500 पे बेचता हूं लेकिन कोई डिमांड ही नहीं कर रहा, तो 500 पे बिक थोड़ा ना जाएगा, तो मेरा ख्याल है वन साइडेड मार्केट बन के रह जाएगी शायद, क्योंकि कोई कह रहा है मैं 200 रुपए ना दूं इसका, तो फिर तो मेरे ख्यालों में ही रह गया ना, फिर वो मार्केट वैल्यू बनी थोड़ी ना। मैंने कहा चल यार तू 200 पे ले, तो मार्केट वैल्यू क्या 200 है। तो जहां पे डिमांड और सप्लाई पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट इज व्हाट इज मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस मार्केट वैल्यू एक ही बात है, नहीं। जहां पे डिमांड और सप्लाई को मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, बेचने वाला बेचने को तैयार हो जाता है, खरीदने वाला खरीदने को रेडी है, तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो होता है वो मार्केट वैल्यू होता है, नहीं। ऑनलाइन बैंकिंग, फिर वही इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की हेल्प से जो आप इंटरनेट बैंकिंग या ई बैंकिंग कर रहे हैं, सारी ट्रांजैक्शन इंटरनेट पे बैठे हैं, बैंक की लंबी लंबी लाइनों में लगने की कोई जरूरत नहीं है, अब तो लाइनें होती भी नहीं है, बैंक खाली रहते हैं, काम बहुत है क्योंकि वो ई बैंकिंग चल रहा है, नहीं, वेबसाइट के जरिए। ओवरड्राफ्ट, आपके अकाउंट में 2 लाख पड़ा है लेकिन अभी आपने बैंक से 3 लाख लिया, 1 लाख एक्स्ट्रा, क्यों, ओवरड्रॉ, ओवर मतलब जरूरत से ज्यादा अपने अकाउंट से निकाल लिया, क्यों, फैसिलिटी दी है बैंक ने कि सर अगर आपको जरूरत होगी तो हम 1 लाख ऊपर भी दे देंगे आपको, नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा आपके अकाउंट में, डोंट वरी। तो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी लेता है एक इंसान बैंक से, तो बैंकर डेफिनेटली उसके पीछे कुछ गिरवी रखवाएगा या कुछ तो होता ही है, ऐसी हवा में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कोई किसी को नहीं देता ना, बैंकर हमारा भाई नहीं लगता, चल तू मेरे से ओवरड्राफ्ट ले ले, तू 2 जमा करा फिर भी मैं तेरे को 3 दूंगा, ऐसे क्यों, समझ आया ना। तो वो कहता है इट इज अ चेक और अमाउंट विच इज अबव द बैलेंस अवेलेबल, बैलेंस अवेलेबल 2 लाख, लेकिन जो चेक हमने लिया वो बैंकर से 3 लाख का लिया है ना। फिर पेई, मैंने आपको अभी चेक में बताया था, आपने मेरी फेवर में चेक बनाया था ना, तो मैं पेई हो गया, तो जिसको पैसा मिलना है, पेयर, आपने चेक बनाया था आपके अकाउंट से पैसा निकलेगा, यू आर द पेयर, राइट। फिर पिन सबको पता होता है, कोड नंबर है जो ATM में यूज करते हैं आप, कहता है इट इज पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, सीक्रेट कोड ऑफ नंबर्स अल्फाबेट्स गिवन टू कस्टमर टू परफॉर्म ट्रांजैक्शन थ्रू ATM, रोज की कहानी है आपकी। फिर स्मार्ट कार्ड, वो कहता है ये डेबिट क्रेडिट कार्ड जैसे नहीं है भाई, जिसमें मैग्नेटिक स्ट्रिप है, उसमें कंप्यूटर चिप है, और फिर वो डाटा स्टोरेज या प्रोसेसिंग या आइडेंटिफिकेशन के काम आता है, राइट। फिर सिंडिकेटेड, सिंडिकेट होता है ग्रुप, शब्द का मीनिंग पता हो ना बहुत आसान लगता है, सिंडिकेट का मतलब होता है ग्रुप, तो सिंडिकेटेड लोन हो गया कि कुछ बैंक्स ने मिलकर सामने वाले कंपनी को 1000 करोड़ उधार दिया, एक उसमें से लीड बैंक होगा, लीड बैंकर ने कितना दिया 700 करोड़, 700 करोड़ तो उसने दे दिया, बाकी रिमेनिंग 300 करोड़ 3 बैंक्स ने मिलकर दिया, तो वो उसके सिंडिकेट मेंबर्स हो गए ना उस बैंक के, और ये लोन सिंडिकेटेड लोन हो गया क्योंकि वो इतना ह्यूज अमाउंट था कि एक बैंक के पास था नहीं, और उतना बड़ा रिस्क भी नहीं लेना चाह रहा था, या जो भी कहो, बोरोअर एक ही है, कंपनी AC लिमिटेड, समझ आया ना, तो वो सिंडिकेटेड लोन होता है, क्लियर। फिर आता है टाइम डिपॉजिट, एक समय के लिए आपने पैसा जमा करा दिया, डैड ने आपके 5 साल के लिए 5 लाख जमा करा दिया, बच्चा बड़ा होगा काम आएगा, विद रिटर्न वापस मिलेगा, तो वो टाइम डिपॉजिट है, निकाल नहीं सकते ना फिर आपको, आप उसको उससे पहले। फिर आता है वैल्यू एट रिस्क, वो वैल्यू जो जिसके जिसमें रिस्क है, मतलब उसकी वैल्यू बढ़ घट जाएगी, जैसे मैंने कोई बॉन्ड खरीदा
जब मैंने वो बॉन्ड परचेज किया उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%, लेट अस सपोज, ठीक है। और अब जो बॉन्ड इश्यू हो रहा है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। पहले तो ये समझो कि मैंने कभी बॉन्ड परचेज किया कितने पे, उसको छोड़ो, उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मुझे मिल रहा था उस बॉन्ड पे वो 10% था। आज जो कंपनी बॉन्ड इश्यू कर रही है या जो अथॉरिटी बॉन्ड इश्यू कर रही है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है। आपको बॉन्ड चाहिए, मेरे पास बॉन्ड है, आप मेरा बॉन्ड खरीदोगे? आप बोलोगे क्यों, आपका क्यों खरीदूंगा, मैं 12% वाला खरीदूंगा ना, आपके बॉन्ड पे तो 10% है, आप मेरा बॉन्ड खरीदने को ही नहीं तैयार। मतलब मैं तो सप्लाई करने को तैयार हूं लेकिन आप डिमांड करने को नहीं तैयार बॉन्ड के लिए। और जब सप्लाई ज्यादा होती है, डिमांड नहीं होती है, तो रेट गिरता है, रिस्क आ गया ना मेरा। तो ये जो बॉन्ड की वैल्यू है ये रिस्क में है ना, दिस इज वैल्यू एट रिस्क। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी कर गया ना। तो जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो मेरे बॉन्ड की वैल्यू कम होगी। इनवर्स रिलेशनशिप, समझदार हुआ? कहता है द सम और पोर्शन ऑफ द वैल्यू, बॉन्ड वैल्यू दैट इज एट स्टेक, रिस्क और सब्जेक्ट टू लॉस फ्रॉम अ वेरिएशन इन द प्रेवलेंट इंटरेस्ट इंटरेस्ट रेट। प्रेवलेंट मीन्स जो एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट रेट है, उसमें चेंज आया तो मेरे बॉन्ड की वैल्यू में भी चेंज आ जाएगा, मार्केट वैल्यू। That this is value at risk, VAR. समझा? फिर आता है होलसेल बैंकिंग। वर्ड से ही पता चल रहा है कि बैंक जो है वो होलसेल लेवल पे बैंकिंग कर रहा है, मतलब बड़े बड़े लोगों के साथ ट्रांसैक्शंस कर रहा है। तो वो कहता है बैंक्स विच ऑफर सर्विसेज टू अदर कॉर्पोरेट एंटिटीज, लार्ज इंस्टीट्यूशन, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो ये होलसेल बैंकिंग है, राइट? फिर आता है जीरो बैलेंस अकाउंट। आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस, जैसे नॉर्मली क्या होता है, हम जब अकाउंट बनाते हैं जी मिनिमम आपको 10,000 ऐसे रखना होगा, लेकिन जो जनधन अकाउंट है ना, ये एग्जांपल इसका जाता है, उसमें क्या रूल है, आपको कोई पैसा नहीं रखना, मत रखो। जैसे कि गरीब आदमी के भी बैंक का अकाउंट तो बने, पता है आपको ये सब क्यों हुआ और कब हुआ, दैट इज व्हाट इज जीरो बैलेंस अकाउंट, जिसमें कोई मिनिमम बैलेंस की जरूरत नहीं है। ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट। फिर जीरो डाउन पेमेंट, नाम से पता चलता है जीरो डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट जीरो है। तो एक मॉर्गेज, जैसे मैंने 5 करोड़ का लोन लिया, ठीक है, और बैंकर ने मुझे लोन क्यों दिया, क्योंकि मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदा था कमर्शियल लेवल पे या जो भी, उससे क्या फर्क पड़ता है, 5 करोड़ का प्रॉपर्टी लिया था, बैंक से लोन लिया। लेकिन जब मैंने प्रॉपर्टी लिया तो मैंने अपने घर से 50 लाख 50 लाख तक नहीं निकाला, 10 लाख तक नहीं निकाला। इसका मतलब पूरा का पूरा पैसा किसके थ्रू गया, लोन के थ्रू गया। बैंकर ने पूरा पैसा मुझे दिया क्योंकि उस वक्त कोई डाउन पेमेंट मैंने नहीं करी, तो ये जीरो डाउन पेमेंट मॉर्गेज हो गया ना। कहता है इट इज अ टाइप ऑफ मॉर्गेज गिवन टू अ बायर हु डज नॉट मेक एनी डाउन पेमेंट वाइल बोरोइंग। जब उसने बोरो किया तो उसने कोई डाउन पेमेंट नहीं करी है। इसका मतलब है जो जिसने मुझे अपनी प्रॉपर्टी बेची है उसको सारा बैंक के थ्रू पेमेंट होगा, और डाउन पेमेंट उस वक्त नहीं है, जिस वक्त लोन लिया उस वक्त कोई पेमेंट नहीं हुई है, ऐसे समझिए आप सीधा सीधा। कहता है बायर हु डज नॉट मेक एनी डाउन पेमेंट वाइल बोरोइंग द मॉर्गेज बायर बोरोज द अमाउंट एट द एंटायर परचेज अमाउंट एट द एंटायर परचेज प्राइस। इज दैट क्लियर? परचेज प्राइस कितना था, 5 करोड़, और उतना ही उसने बोरो किया है क्योंकि डाउन पेमेंट हुई नहीं है। दिस इज व्हाट इज जीरो डाउन पेमेंट मॉर्गेज, समझ आए? फिर अदर बिजनेस टर्मिनोलॉजी है, फिर वो ज्यादा लंबा हो जाएगा, एक काम करते हैं रोकते हैं यहाँ पे, ठीक है, मिलते हैं अगली बार। ओके, बाय बाय।